Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, you know previous video में हमने Williams percent R indicator के बारे में जाना था. ये क्या होता है, किस तरह से work करता है, किस तरह से हम इनको market charts पर apply करके इन पर trade कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके points को cover up करके इन पर trade करके profit gain कर सकते हैं, सारी चीजों को हमने cover up किया था. एंड लाइव चार्ट पर लाइव ट्रेड करके भी दिखाई थी आप सभी को. लाइव चार्ट पर मैंने कंसीडर करके भी दिखाया था. ओके देन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ इंडिकेटर आर्क के बारे में. आर्क क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इनको मार्केट चार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ को हम कवर करने वाले हैं. तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. आज की ये वीडियो देखने के बाद आप आर्क को अच्छे से कंसीडर करना सीख जाएंगे, मार्केट चार्ट्स पर आर्क को ड्रॉ करना सीख जाएंगे. ड्रॉ करने के बाद इसके ब्रेकआउट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को डिफाइन करके अच्छे से समझने वाले हैं. ओके सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा गाइस. वीडियो शुरू करूं और ये आर्क के बारे में बताऊं, उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां सभी को वहां पर 99.9 एक्यूरेसी वाले सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एंड गाइस, क्यूरेक्स पर अगर आप सभी ने अभी तक अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड वहां से आप हमारे द रिलायबल वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप सभी को 100% एक्यूरेसी वाले श्योर शॉट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. अगर लॉस हुआ पड़ा है तो लॉस भी कवर अप कर सकते हैं. सो गाइज, लिंक पर जाइए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. ओके एंड गाइज, प्रीवियस वीडियो के भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. एंड गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम आर्क के बारे में जानना शुरू करते हैं. ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से मार्केट चार्ट को अप्लाई करते हैं. ओके सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ. गाइस, तो मैं आज हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को अबव 15,300 डॉलर का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं. सो फर्स्टली हम यहाँ पर अपना जो हमारा इंडिकेटर है इसको हम अप्लाई कर लेते हैं. देन आपको पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही मिलेगा आर्क, ये रहा. ओके देन हम फर्स्टली करेंसी की बात कर लेते हो गाइस. तो मैं इस समय आपको बता दूं कि मैं अबव अभी रात के 1:30 बजे अबव 1:23 AM पर आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ट्रेड करके दिखाऊंगी. हालांकि जो OTC करेंसी है वहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट रेट आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा दिया होता है, 90% अबव 92% दिया होता है. एंड दे भी रखा, आप देख रहे हैं 92% कंटिन्यू 92%. ओके देन जो बाकी अदर करेंसी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनका यहाँ पर प्रॉफिट रेट कम दे रखा है, 79, 74, 74, 74, 69, 64, है ना. ये सारी करेंसी पे यहाँ पर प्रॉफिट रेट कम दे रखा है जो डे के अकॉर्डिंग में. ओके डे में अब 82% हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें अब 10% अब 8% हमें प्रॉफिट रेट कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इन्हीं पर अप्लाई करके ट्रेड करना है. सो हम कम प्रॉफिट रेट पर ही हम ट्रेड करेंगे गाइज. ओके सो हम करेंसी देख लेते हैं फर्स्टली कि हमें किस करेंसी पर ट्रेड करना ठीक रहेगा. इसको मैं फाइनली यहाँ पर पहले जो है इस इंडिकेटर को हटा देती हूँ, जिससे आप सभी को मैं यहाँ पर ये इंडिकेट करके दिखा सकूँ. ओके सो करेंसी अभी USD 74% चार्ट ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का दे रखा है. ओके मार्केट अभी ठीक ठाक चल रहा है हालांकि. एंड इसके अलावा AUD CAD करेंसी पर ऐसा मार्केट चल रहा है, GBP USD पर ऐसा चल रहा है, ऐसे करेंसी जहाँ पर हमें ये आर्क अपना अप्लाई होता हुआ नज़र आए. AUD CAD पर नहीं अप्लाई होगा, GBP CAD 79 पर यहाँ पर हो जाएगा गाइज. तो जहाँ पर ये हमें कुछ ऐसी पीक्स जहाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं वहाँ पर हमें ये जो है यहाँ पर आर्क अप्लाई हो जाने को देखने मिलता है. ओके सो फर्स्टली हम यहाँ पर इसी चार्ट पर हम अप्लाई करेंगे. ओके सो आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा प्रॉफिट चार्ट रहा. ओके लाइव चार्ट, देन यहाँ पर मैं आप सभी को अप्लाई करके दिखाऊंगी. सो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये रहा. ओके हमने ले लिया है, देन इसके अकॉर्डिंग हम कलर की बात करें, कलर तो हमारा ठीक ठाक है दिखेगा. ओके सो
सो उसका हम फर्स्टली अप्लाई कर रहे थे. अप्लाई करने का सही तरीका गाइज, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जानते हैं ओके. बस हमें किसी भी, हमें आँख की ही नहीं, मैं हर इंडिकेटर की बात कर रही हूँ. किसी भी आपको अप्लाई करना है तो आपको केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख कर ड्रॉ करना है हमेशा ओके. दो ऊपर के सब जो है रेजिस्टेंस या फिर दो सपोर्ट लेवल आप किसी को टच कर लीजिए, वो सही जो है तरीका होता है डिफाइन करने का. सो फिर यहाँ पर आँख को जो है अप्लाई करके दिखाऊंगी यहाँ पे ओके. GBP CAD का चार्ट है, 79% प्रॉफिट रेट दे रहे हैं. सो इसको हम फर्स्टली यहाँ पर अप्लाई करते हुए जो है अप्लाई करेंगे इसको ओके. इसके सपोर्ट लेवल को एंड रेजिस्टेंस को मिलाते हुए ओके. देन हमने रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस के अपर पीक पॉइंट तो हमने यहाँ पर मिला लिए हैं ओके. देन हम देखते हैं कि हमें बेस वाले पॉइंट कौन से देखने को मिलते हैं. अगर हम इसका ये पॉइंट लेते हैं देन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि जो मार्केट चार्ट दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमें कुछ साइडवेज और पलटता हुआ मार्केट दिख रहा है. मतलब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इससे ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर कुछ देर के लिए भी साइड मार्केट चलेगा ओके. सो इसलिए अभी देखिए ग्रीन के बाद रेड कैंडल बन गई है. देन हम कह सकते हैं कि अभी हमारा साइडवेज मार्केट चल रहा है. यहाँ से हम अभी ये नहीं कह सकते कि डाउनवर्ड के बाद हमारा मार्केट अपवर्ड जा रहा है, ऐसा नहीं है ओके. अगर ग्रीन के बाद कंटिन्यू ग्रीन बनती देन हम बोल सकते थे यहाँ से कि वी शेप लेगा, यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होगा. लेकिन नहीं, अभी हमारा साइडवेज मार्केट कंटिन्यू चलेगा कुछ मिनट्स के लिए, शायद हो सकता है यहाँ तक या फिर यहाँ तक, कहीं तक भी हमें देखने को मिल सकता है ओके. सो फर्स्टली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट गाइज, किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई करते समय आपको ये चीज़ें बहुत नोटिस करनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करती हैं सही से ड्रॉ करने में ओके. सो अभी हमारा मार्केट साइडवेज चल रहा है और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. हमने दो ऊपर के सपोज जो है रेजिस्टेंस लेवल को हमने टच कर लिए हैं यहाँ पर आँख को ओके. देन हमें यहाँ पर बेस के जो सपोर्ट लेवल हैं इनको कौन सा हमें टच करवाना है, कौन सा लेना है, यह हमें अभी कुछ सेकंड में पता चल जाएगा यहाँ की डाउन पीक पॉइंट. क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड और आएगा अभी, है ना, डाउनवर्ड हमारा ट्रेंड आएगा. इसलिए हम इसका ये पॉइंट भी ले सकते हैं. लेकिन ये पॉइंट लेंगे गाइज तो हमारे ऊपर का जो है रेजिस्टेंस डिसबैलेंस हो रहा है ओके. सो फिलहाल हम इसी को लेंगे और इसके बनने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे ओके. जहाँ तक कि ये मुझे ऐसा लगता है अगर हम इसी को पॉइंट को लेकर के चलें तो कुछ ये हमें इस तरह यहाँ पर इस लेवल पर ये वी शेप हमें यहाँ डाउनवर्ड जाते हुए कुछ इस पॉइंट पर मिलेगी. आप समझ रहे हो, यहाँ से रेड कैंडल देन ग्रीन बन के अगेन ग्रीन बन के देन ये जो येलो लाइन आपको शो हो रही है ये वाली, ये येलो लाइन यहाँ से वी शेप, यहाँ से शेप लेते हुए कुछ इस यहाँ पर आएगी. यहाँ जो कैंडल डाउनवर्ड के लिए बनेगी, ये ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड के लिए आएगा, ये येलो लाइन हमारी यहाँ पर आएगी ओके. तो आप देख सकते हैं कि येलो लाइन ये जैसे ही यहाँ पर आती है देन हमारे दो सपोर्ट लेवल टच हो जाएंगे, एक हमारा ये, एक हमारा ये ओके. देन डेफिनेटली हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि दो सपोर्ट लेवल, दो रेजिस्टेंस लेवल टच हो रहे हैं. इसका मतलब हमारा क्लियरली हमारा इंडिकेटर जो है सही तरह से ड्रॉ है और उसके बाद हम ब्रेकआउट पर या फिर उसके लेवल को फॉलो करते हुए हम आराम से ईजिली ट्रेड कर सकेंगे ओके. सो हमें कुछ टाइम के लिए भी वेट करना है ओके. सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक मिनट का वेट किया है, देन एक मिनट के बाद ही हमें यहीं से लाइन यहाँ पर देखने को मिल गई है, आप देख सकते हैं ना. सो मैंने बोला था कि ये लाइन अभी यहाँ पर थी, यहाँ से ये यहाँ पर इस शेप लेगी. देन आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर ये ड्रॉ किया था ये हमारा एक सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा दोनों दो पॉइंट्स को टच कर रहा है. ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हमारे दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, दोनों के अपर पीक पॉइंट और दोनों के जो लोअर पीक पॉइंट है टच कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि क्लियरली हमारा जो आर्क जो हमने डिटरमाइन किया है, डिफाइन किया है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो मतलब ईजिली हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, सही है ओके. सो इसी को हम जो है क्लियरली इसी पर ट्रेड करेंगे. देन अभी आपको ये शो हो रहा हो तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है ओके. देन डाउनवर्ड ट्रेंड चलने में आप सब देख पा रहे हो कि जो हमारा मार्केट है, मतलब एक रेड एक ग्रीन देन एक ग्रीन ओके, एक रेड एक दो ग्रीन, एक रेड अगेन दो ग्रीन, अगेन रेड अगेन एक ग्रीन, अगेन रेड अगेन ग्रीन. देन ये मार्केट चार्ट जो होता है गाइज, ये हमें इंडिकेट करता है कि ये मार्केट अभी कुछ देर के लिए वोलेटिलिटी वाला है, यहाँ पर हमें वेट करना है थोड़ी देर के लिए ओके. देन यहाँ पर हमें अच्छा खासा यहाँ पे ये देखिए ये इंडिकेट मिल रहा है कि मार्केट हमारा डाउनवर्ड जाएगा. देन इसको हम यहाँ पर भी ऐसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और इसको लेकर के देन ये हमारे क्लियरली है ओके. देन ये चीज़ आपको शो हो रही होगी कि पूरी तरह से हमारे सारे के सारे लेवल अभी यहाँ पर टच हो रहे हैं ओके.
देन हमारा बिल्कुल परफेक्ट परफेक्टली ये ड्रॉ है। तो होप्स आप सभी को ड्रॉ करना तो समझ में आ गया होगा। ओके देन यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए टच कर रहा है अपना इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पर अभी $150 लेंगे। ओके चूँकि प्रॉफिट रेट कम है तो हम यहाँ पर अमाउंट भी कम लेंगे। देन यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम के वेट करने के बाद हम ट्रेड प्रेस करेंगे गाइज। ओके देन जैसे हमें इंडिकेटिंग मिलता है वैसे ही मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्रेस करूँगी। ओके देन मैं यहाँ पर अपोर्ट के लिए मैं ट्रेड डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $600 मैंने इन्वेस्ट किए हैं गाइस, है ना। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर ब्रेकआउट अगर होता है तो मतलब यहाँ से ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा। ओके अगर नहीं होता है तो हमारा भी अभी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारा जो आर्क का ये पॉइंट है यहाँ से और नीचे आ सकता है। ओके देन अभी तो फिलहाल क्लोज पॉइंट पर ही है। देन देखते हैं कि इस ट्रेड का हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। बहुत क्लोज पॉइंट पर है, प्रॉफिट रेट भी कम है, मार्केट भी फ्लक्चुएट हो रहा है। एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन, जैसे ये हरी लाल कैंडल बनती है गाइस आप सब जानते हैं कि ऐसा मार्केट हाई वोलेटिलिटी वाला होता है, फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है मार्केट एंड, है ना। ऐसे में फिलहाल हमें वेट करना ही होता है, लेकिन मैं आपको सबको ट्रेड करके दिखा रही हूँ तो आप सब समझ सकते हैं। फिलहाल हमारी यहाँ पर ट्रेड ये अभी विनिंग में चल रही है। देन अगेन आप देख रहे हैं 4321। देन गाइज ये ट्रेड हमारी $600 जो हमने इन्वेस्ट किए थे ये हमारे श्योरली जो है 100% एक्यूरेसी के साथ विन हो चुके हैं। ओके देन गाइज ये लग रहा करेंसी ही चली गई है। प्रॉफिट हुआ देन गाइज चार्ट ही गायब हो गया। आप देख रहे हैं मैं आप सभी के सामने ये लाइव ट्रेड कर रही हूँ और लाइव ट्रेड पर ही हमारी ट्रेड जैसे ही विन जाती है ये रात के लगभग 1:30 बजे हमारा चार्ट ही गायब हो जाता है। ओके फिलहाल प्रॉफिट रेट भी यहाँ पर 79 से 68% आ गया है। हम यह उसको स्क्रॉल करेंगे देन ये चार्ट भी गायब हो चुका है। ओके देन गाइस सारे के सारे चार्ट गायब हो चुके हैं, कोई भी चार्ट इस समय अवेलेबल नहीं है। सो आप देख सकते हैं यह मार्केट चार्ट है, यहाँ सारी की सारी करेंसी OTC करेंसी ओपन हो चुकी है। लेकिन गाइस अगर कहें तो हम खिलाड़ी हैं, हमारे करेंसी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो हम अगर इन्होंने वो ये करेंसी ले ली ओके हम OTC ओपन करेंगे। देन गाइस OTC का चार्ट हम लेते हैं। देन 92% प्रॉफिट रेट AUD CHF का हम पहले चार्ट चेक कर लेते हैं। देन इसके बाद और कोई करेंसी देखते हैं। CAD CHF में इस तरह का चार्ट है और EUR CHF में कुछ इस तरह का चार्ट दे रखा है और इसके अलावा EUR USD करेंसी पर देखते हैं कि ये इस तरह का चार्ट दे रखा है और इसके अलावा USD EUR GPY पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का है। तो गाइस ये सिंपली जो सीधे सीधे चार्ट दे रखे हैं हमारे काम के नहीं है। अभी फ़िलहाल जो हम आर्क डिफाइन कर रहे हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं अगेन हमारे पास ये चैलेंज खड़ा हुआ है। हम अगेन से दोबारा से ये आर्क इसको ड्रॉ करेंगे देन अगेन ट्रेड करेंगे। ओके मैंने यहाँ पर $6 तो अपना खैर जो है इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट मैंने यहाँ पर गेन कर लिया है। ओके देन इसके अलावा हम किस चार्ट पर और ये अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो फाइनली हम यही चार्ट ले लेते हैं। ओके सो हम यहाँ पर ये ले लेंगे आर्क। ओके देन हम इसके ओके तो कोई वही पहले वाले रूल कि किन्हीं दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को टच कराते हुए हमें यहाँ पर ये डिफाइन करना है। ओके देन एक हमने ये वाला सपोर्ट लेवल ले रखा है, रेजिस्टेंस लेवल मैंने इनको ले लिया है, रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने इनके इनको ले लिया है। देन मुझे लगता है जब तीन पॉइंट्स मैंने मिला लिए हैं चौथा पॉइंट मेरा ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा। ओके तो ये चीज़ें गाइस अंडरस्टूड होती हैं। तो अभी मतलब ये है कि हमारा मार्केट अपवर्ड के लिए नहीं जाएगा, अभी मार्केट हमारा डाउनवर्ड ही आएगा और ये वाली जो येलो लाइन है ये हम उम्मीद कर सकते हैं होप्सो कि ये लाइन यहाँ पर आएगी और हमारा ट्रेंड इमर्ज होगा वो चेंज होते होते कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ओके सो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इस तरह भी आ सकते हैं। ओके ये कुछ यहाँ पर आ सकता है। ओके
देन किस तरह से आएगा, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और आप सब लाइव देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रेंड यहाँ पर, यहाँ ये येलो लाइन यहाँ पर आ सकती है, जो कि मैं पहले विदाउट ओटीसी मार्केट पर मैंने जो आग अप्लाई किया था उसमें आप सभी को मैंने दिखाया था कि किस तरह से ये येलो लाइन यहाँ पर आएगी, ये और ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमारा किस तरह से और ज़्यादा डाउन जा सकता है। ये हमें आग वाला इंडिकेटर बहुत अच्छे से अप्लाई करता है, बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है, बहुत अच्छे से कंसिडर कर देता है कि हमें ये वाली लाइन हमें कहाँ तक डाउनवर्ड के लिए मिलेगी। ओके सो अभी फिलहाल मार्केट हमारा इसमें भी साइडवेज चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अगेन ग्रीन रेड 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 अगेन ग्रीन ग्रीन अगेन हरी लाल हरी लाल हरी लाल, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और वोलाटाइल तो होता ही है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे देन देखते हैं अगर ये यहाँ से हमारा ट्रेंड अपोर्ट के लिए जाता है देन ये हमारा पॉइंट यहीं पर रहेगा। ओके सो वेट करेंगे हम, 70 सेकंड्स का वेट है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेड हमारी डाउनवर्ड के लिए जाएगी। सो हम यहाँ पर ट्रेड जो है डाउनवर्ड के लिए प्रेस करेंगे इसलिए क्योंकि इस बेस पर मैंने प्रेस की है कि गाइज ये जो मुझे लगता है ये येलो लाइन यहाँ पर आनी चाहिए। ओके सो इसलिए फिलहाल हमने डाउनवर्ड के लिए ट्रेड प्रेस कर दी है, बाकी देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है क्योंकि यू नो मार्केट फ्लक्चुएट और वोलाटाइल तो है ही, और यहाँ पर जो इंडिकेशन हमें मिला है 50 सेकंड्स का वेट करना है वो भी डाउनवर्ड का हमें दिखा रहा है, बाकी वोलाटाइल है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखते हैं गाइज, काफ़ी अपॉर्ट गया है, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस होती है देन मार्टिंगल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो है अपना अमाउंट डबल करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि लॉस नहीं हमारी विन जाएगी। 30 सेकंड्स है गाइस, 28 सेकंड्स अबव है ना, क्लोज पॉइंट पर है, बहुत ही क्लोज पॉइंट पर है। देन आप देख सकते हैं अभी भी क्लोज पॉइंट पर है, 19 सेकंड्स हैं अबव 15 सेकंड्स। देन मुझे लगता है कि रेड ट्रेंड रेड वाली कैंडल बन के शायद ओपन नहीं गाइज, ये लॉस जाएगी। ओके देन कोई नहीं, हम यहाँ पर अपना अमाउंट बढ़ाएंगे और हम यहाँ पर अमाउंट अपना करेंगे $250। ओके देन हम यहाँ पर अपोर्ट के लिए लगाते हैं, इसलिए गाइज यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। ओके रिस्क लिया है मैंने ओके क्योंकि यू नो यहाँ पर दो सिचुएशन है, अगर हमारा ही ट्रेंड अपआउट के लिए जाएगा तो यहाँ से ये वी शेप बना लेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से साइडवेज मार्केट चल रहा है यहाँ पर वी शेप बनाएगा और ये वी शेप बनाते हुए यहाँ पे मार्केट पलट जाएगा तो हमारा ये पॉइंट केवल यहीं पर रहेगा, ये पॉइंट हमारा जो तीसरा पॉइंट है सपोर्ट लेवल का यहाँ पर रहेगा। अगर ये डाउनवर्ड जाता है देन हमारा पॉइंट ये रहेगा और ये येलो वाली लाइन ये यहाँ पर आएगी। ओके सो मुझे लगा कि यहाँ पर ये वी शेप बनाएगा, देन वी शेप बनाते हुए मतलब यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट हमारा खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर हमारा जो है ट्रेड हमारी अपोर्ट के लिए जानी चाहिए। इसी बेस पर मैंने यहाँ पर अपोर्ट के लिए ट्रेड प्रेस की थी और उतना ही अमाउंट लगाया जितना हमारा पिछली बार लॉस हुआ था। ओके सो हमने तीन ट्रेड यहाँ पर $250 की इन्वेस्ट की हुई है और ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। आप सब देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर अभी उससे पहले $150 की तीन ट्रेड लॉस की थी, $250 की मैंने यहाँ पर तीन ट्रेड प्रेस करके प्रॉफिट गेन कर ली है। देन मुझे लगता है कि ये ट्रेड यहाँ पर अपोर्ट जाएगा ही, हमारा यहाँ से वी शेप बनेगा, देन इस पॉइंट को हम यहीं पर इसको एंड कर देते हैं। ओके देन इसको कंसीडर करते हुए इसको हम सेंटर कर लेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। ओके देन ये हमारा अभी अभी ठीक 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 से ड्रॉ किया हुआ इजीली है। ओके देन ये हमारा जो ये सपोर्ट लेवल एक हो गया, ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल। ओके सो आप ये आप समझ रहे हैं, ये पूरी हमारा इजली अभी मैंने सेकंड चार्ट पर आप सभी को ड्रॉ करके दिखाया हुआ है ओटीसी के चार्ट पर, इससे पहले आप सभी को मैं नॉर्मल करेंसी पर ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ। देन यहाँ पर मैं आप सभी को ओटीसी के चार्ट पर URCHF ओटीसी के चार्ट पर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप जो भी चार्ट ओपन करेंगे मैं आप सभी को ड्रॉ करके दिखा दूंगी। ओके सो यहाँ पर मैं आप ड्रॉ करके दिखाया हुआ है और मैं अगेन ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ यहाँ पर अपोर्ट के लिए, बाकी देखते क्या होता है। मैंने यहाँ पर $250 की 6 ट्रेड ली हुई है अपॉर्ट के लिए। ओके सो हम वेट करेंगे गाइस। ओके 48 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास और हम वेट करेंगे, देखते हैं कि इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। ओके देन यहाँ पर ये कंटिन्यू नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से बी शेप डेफिनेटली ले लेगा। देन वी शेप का मतलब ये है कि ट्रेंड हमारा अपॉर्ट के लिए चलने लगेगा। अभी फिलहाल हमारा कंटिन्यू साइडवेज में ही मार्केट चल रहा है और साइडवेज मार्केट में यू नो ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है और हमें ज़्यादातर लॉस देखने को मिलता है,
साइडवेज मार्केट में. साइडवेज मार्केट मतलब कंटिन्यू जो एक लाइन में चलता है, ना कि अपवर्ड ट्रेंड में या फिर ना ही डाउन ट्रेंड में. ओके सो अभी हमारा साइडवेज चल रहा है, मतलब ना ही अपवर्ड ट्रेंड में है ना ही डाउनवर्ड ट्रेंड में. सो अभी बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो रहा है. देन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है और ये ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है. हमारी विन हो गई बाय लक, ये ट्रेड हमारी विन हो गई भाई. ठीक है, सारी की सारी ट्रेड हमारी विन है. ओके सो साइडवेज मार्केट में गाइस इतना रिस्क रहता है जितना आप सभी ने अभी देखा. ओके कैंडल हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट में जा रही थी, देन लास्ट के क्लोज पॉइंट पर गाइस विन हुई है. अगर हमने शायद 2 मिनट डिले करके ट्रेड लगाई होती तो हमारी लॉस चली जाती. ओके सो अभी भी हमारा मार्केट जो है साइडवेज चल रहा है. ऐसे टाइम पर गाइस हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए. सो होप्स आप सभी को ये अच्छे से आर्क अप्लाई करना तो अच्छे से ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा. हम किस तरह से आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से हम इन पर जो है ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, किस तरह से हम इनका 2 सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करके 2 रेजिस्टेंस लेवल को कंपेयर करके हम इनके ट्रेंड को पता कर सकते हैं और ट्रेंड को पता करके हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं. सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी, मैंने 2-2 चार्ट पर आप सभी को अप्लाई करके दिखाया हुआ है. ओके देन मेरा मन है कि एक ट्रेड में आप सभी को और मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊं. ओके देन अभी तो फिलहाल हमारा टाइम यहाँ पर छूट गया. देन नेक्स्ट 50 सेकेंड्स के बाद मैं आप सभी को लाइव ट्रेड करके और मैं दिखाने वाली हूँ, ज़रा सा कुछ क्लियर हो जाए. देन 48 सेकेंड्स के बाद ओके जिस तरह से भी आप कैंडल देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन ये वाली ग्रीन लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है अपोर्ट के लिए. ओके देन अपोर्ट वाली ये बन भी रही है. देन उसके बाद देखते हैं कि हमें फिलहाल नेक्स्ट कैंडल पर हमें ट्रेड जो प्रेस करनी है वो किस ओर प्रेस करनी है, अपोर्ट लेनी है कि डाउनवर्ड लेनी है, इस कैंडल के पूरे बनने पर पता चलेगा. ओके सो वेट करेंगे गाइज. ओके देन ये कुछ ये हमारा आप देख रहे हैं कि ये कुछ हमारा सही तरह से ये ड्रॉ किया हुआ है. ओके ये ड्रॉ किया हुआ है. ओके सो फिलहाल हम यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाले हैं. अमाउंट हम कर लेंगे गाइस $500 ओनली, मैं 2 ट्रेड लूँगी. ओके देन यहाँ से मैं अपोर्ट के लिए 2 ट्रेड लूँगी. देखते हैं गाइस हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है. बाकी तो मार्केट वोलेटाइल है ही. 40 सेकेंड्स का टाइम है और काफ़ी क्लोज पॉइंट पर है गाइज, आप देख सकते हैं. अगेन 30 सेकेंड्स का टाइम है और यहाँ से शायद इस कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो यहाँ पर कुछ बनेगी और यहाँ पर बनने का मतलब है कि यहाँ से डायरेक्ट ये वी शेप बनाते हुए ट्रेंड हमारा अपवर्ड की ओर चलने लगेगा. ओके सो आप देख सकते हैं मैंने इसी कैंडल पर ले लिया है, यही मैंने आप सभी को बोला था. देखिए मैंने बोला था ओके मैंने बोला था यहाँ पर इसी बेस पर मैंने यहाँ पर अपवर्ड के लिए ट्रेड ली थी. आप समझ सकते हैं कि मैंने $500 अमाउंट बढ़ा करके मैंने यहाँ पर श्योर शॉट प्रॉफिट इसीलिए गेन किया क्योंकि आप सब देख सकते हैं मैंने बोला था यहाँ पर डेफिनेटली ये वी शेप लेगा, उसे वी शेप लिया है और क्लियरली हमारी जो है श्योर शॉट विन है. हमने कंटिन्यू प्रॉफिट किया है, कंटिन्यू आप सब देख सकते हैं. ओके सो कुछ इस तरह से ये हेल्प करता है हमें ट्रेड करने के लिए. ओके सो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी ने आर्क के बारे में अच्छे से जाना, आर्क क्या होता है, किस तरह से हमको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट चार्ट पर हमको ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके किस तरह से हम इनके ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए इन पर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कैसे अपने ट्रेड को श्योर शॉर्ट निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें हमने कवर अप किया था. होप सो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को ये आर्क अच्छे से समझ में आया होगा. समझ में आया हुआ है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, अच्छा लगा है और ट्रेड करना आप सीखे हैं तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये आप चाहते हैं अगर ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचे तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए. एंड गाइस मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए. तो गाइज आज का वीडियो होप सो आप सभी को पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट इंडिकेटर, नए एनालिसिस, नए फंडामेंटल्स, नई स्ट्रेटजीज के साथ, ओके नई एक्यूरेसी के साथ. सो तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.